बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार से दही बड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बंस रोड के फ्रेस्को के दही बड़े आप भूल जाएंगे जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। तो इसमें क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं ये वीडियो में मैंने शेयर करी हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो आइए झटपट सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, साथ ही मैं हाफ कप इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर आप कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। साथ ही इसमें हाफ कप आपने दूध ऐड करना है ठंडा ठंडा। इसके बाद 2 कप आपने थिक दही ऐड करना है, वो भी आपका ठंडा होना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर मैं इसे विस्क करूंगी मशीन की मदद से। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं या फिर मशीन से, जो आपको इजी लगे आप उससे कर लीजिए। यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको विस्क कर लिया है। यहाँ इसकी थिकनेस देख लीजिए, ना ये ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और एटलीस्ट 1 घंटे के लिए, या फिर आपने इसको ज़बरदस्त अगर ठंडा ठंडा चाहिए तो आप इसको 5 घंटे के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरह मूव ऑन करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है और बेसन को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। छानना जरूरी है क्योंकि इसमें जितने भी लम्प्स वगैरह होंगे वो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसको अच्छे तरीके से आपने छान लेना है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, उसको भी मैं अच्छे से छान लूंगी। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर आप इसमें ऐड कर दीजिए, इसे भी छान लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड कर दीजिएगा। साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ, इस तरीके से ऐड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं ऑयल ऐड करूंगी और साथ ही यहाँ पर आपने नीम गर्म पानी लेना है और इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। जितना पानी रिक्वायर्ड हो आप उतना डाल लीजिए। इसे भी मैं विस्क कर लूंगी मशीन की मदद से। आप चाहें तो इसे हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। इसकी थिकनेस आप देख लीजिएगा किस तरीके की होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। अब एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल डाल दीजिए। जैसे ही ऑयल गर्म हो आपने ऐसे लेना है हाथों की मदद से, देखें इस तरीके से, और ऊपर से इस तरीके से उसे नीचे प्रेस करना है। तो इस तरीके से परफेक्ट आपकी शेप बन जाएगी सारे ही दही बड़ों की। दही बड़ों की आप जो शेप देना चाहे वो दे सकते हैं, छोटे बड़े जैसे बनाएं आप बना लीजिए। इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए और टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए। यहाँ पर 1 कप बेसन में देखें, यहाँ पर इतने सारे बन गए हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जब ये ठंडे हो जाए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो आप इसे जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं, आप इसे सेव कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 मंथ्स तक ये आपके दही बड़े चल जाएंगे। जब आपने खाने हों इसे निकालें, गर्म पानी में डालें और ये रेडी हैं। तो इस तरीके से आप आराम से ये दही बड़े बना सकते हैं जब आपका दिल चाहे। तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। और अगर आपने फौरन बनाने हैं तो जैसे ही आप फ्राई करके निकालें, इसे पानी में डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर इसको पानी में रहने दीजिए ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद आप इसे हाथों की मदद से स्क्वीज कर लीजिए, पानी निकाल लीजिए और सारे एक साइड पे रख दीजिए। अब इसको सर्व करने के लिए आप सारे इस तरीके से फुलकियाँ बिछा दीजिए बेस पर, और ऊपर से जो हमने दही बनाया था मीठा मीठा ठंडा ठंडा, वो इसके ऊपर डाल दीजिए। साथ ही यहाँ पर मैं चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो लीजिए वल्ला अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त से ये फ्रेस्को स्टाइल बंस रोड के दही बड़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर करी। इसे आप बना के जरूर खाइएगा और मुझे फीडबैक दिएगा कि कैसे रेसिपी लगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।